हेलो वेलकम, आइए ज्ञान प्राणी देख रहे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, यदि आप कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं या फिर आपका कोचिंग संस्थान है तो उस समय जो आपको इनकम होती है तो वो इनकम के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, उस पर कितना टैक्स लगता है, क्या फॉर्म भरना ज़रूरी है और अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इसका क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा कम्प्लीटली देखिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न सामने ये आता है कि कोचिंग संस्थान से जो आय है वो टैक्सेबल है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं या आपका खुद का कोचिंग संस्थान है तो जो आपकी आय है वो टैक्सेबल है। मतलब आपकी जो भी आय हुई है उस पर आपको भारत सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसको पे करना है और किसको पे नहीं करना है, तो दोनों चीज़ें हम आपकी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म भरें। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है लोगों के सामने कि आईटीआर कौन सा फाइल करना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इसमें आपके सामने तीन आईटीआर के फॉर्म मैं बता रहा हूँ, एक आईटीआर वन फॉर्म, एक आईटीआर थ्री और एक आईटीआर फोर। अब इसमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं तो इस कैटेगरी को आप समझ लीजिए, मैं आपको वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि आपके लिए कौन सा आईटीआर आपके वर्क के अकॉर्डिंग सुटेबल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईटीआर नंबर वन की। तो देखिए, आईटीआर फॉर्म नंबर वन की अगर हम बात करें आपसे, तो देखिए अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं और आपको आय सैलरी के फॉर्म में मिलती है, अगर आपको आय क्या है आपकी सैलरी के फॉर्म में मिलती है, जैसे आपको भी पता होगा कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको सैलरी प्रोवाइड करते हैं हर महीने, उनकी सैलरी क्या फिक्स रहती है और पर ईयर क्या है इंक्रीमेंट देते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल में के फॉर्म में बात करें, जैसे महिंद्रा, महिंद्रा आपको क्या है सैलरी प्रोवाइड करती है, तो महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्या करता है आपको सैलरी प्रोवाइड करता है, तो उस केस में आपका क्या है आईटीआर वन फॉर्म लगता है। तो जब भी सैलरी का केस आएगा तो आपको क्या है आईटीआर वन फॉर्म क्या है फिल करना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आईटीआर थ्री की। देखिए, आईटीआर थ्री किसको फॉर्म फिल करना है, तो आईटीआर थ्री से पहले हम आपको बताएंगे आईटीआर फोर, उसके बाद आप आईटीआर थ्री समझिए तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो देखिए, आईटीआर फोर की अगर हम आपसे बात करें तो आईटीआर फोर में आप शो करते हैं प्रिजम्प्टिव इनकम। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रिजम्प्टिव इनकम क्या है, तो प्रिजम्प्टिव इनकम को आप बोलते हो एज्यूम्ड इनकम, वो इनकम जो आपने एज्यूम की हुई है और आप गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि मैं इतना पैसा अर्न करता हूं अपने कोचिंग संस्थान से या फिर कोचिंग पढ़ाकर। अब आप सोच रहे हैं कोचिंग संस्थान में आप किसी के पढ़ाते हैं या फिर आप खुद का कोचिंग संस्थान, तो क्या आईटीआर फोर लगा सकते हैं, तो भी आप आईटीआर फोर दोनों केसेस में लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपकी इनकम सैलरी के फॉर्म में नहीं है, आपका कुछ टारगेट बेस्ड काम है, मान लीजिए आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं और आपका टारगेट बेस्ड काम है और आपको वहाँ से इनकम मिलती है, तो फिर आप आईटीआर फोर लगा सकते हैं। और मान लीजिए आपका खुद का कोचिंग संस्थान है तो भी आप क्या आईटीआर फोर लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो भी आप इनकम देंगे वो होगी प्रिजम्प्टिव इनकम, मतलब जो इनकम आपको पूरे साल में हुई है उसको आप एक एज्यूम कर लें कि इतनी इनकम आपको हुई है, आप देखिए अपनी एनालिसिस करिए कितनी आपको इनकम अप्रॉक्सीमेट हुई है, तो गवर्नमेंट को आप जो प्रिजम्प्टिव इनकम शो करेंगे उस इनकम के ऊपर आपको क्या टैक्स पे करना होगा। अभी मैं आपको बताऊँ किसको कितना टैक्स पे करना पड़ता है और किसको पे नहीं करना पड़ता, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें देखिए क्या होता है, ये फॉर्म आपका बिजनेस इनकम के लिए होता है, तो जो कोचिंग से इनकम होती है वो भी आपकी बिजनेस के फॉर्म में रहती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद आईटीआर थ्री की। देखिए, आईटीआर थ्री भी आपकी क्या है बिजनेस इनकम के लिए होता है, तो कोचिंग के केस में आईटीआर थ्री भी आता है। अब आप सोच रहे हो कि कोचिंग के केस में आईटीआर थ्री भी या फोर भी, तो कौन सा फिल करना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने कोचिंग संस्थान के रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करते हैं, अगर रिकॉर्ड्स वगैरह आप मेंटेन करते हैं तो फिर आप आईटीआर थ्री फाइल करिए, अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर आप क्या है आईटीआर नंबर फोर फाइल करिए, अगर रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो फिर आईटीआर फोर करिए, अदरवाइज आप रिकॉर्ड रखते हैं तो फिर आप आईटीआर थ्री फाइल करिए। अब इसमें देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ और चीज़ें, जैसे देखिए आईटीआर थ्री में अगर आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है तो फिर आप आईटीआर थ्री को प्रेफर करिए, और इसमें आपको क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी आपको क्या है लेना पड़ता है,
अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का हो रहा है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें और ITR3 को फिल करें, और अगर आपका टर्नओवर बहुत कम है तो फिर आप ITR4 को प्रेफर करें। और जब भी आप फॉर्म फिल करें तो आपको मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने CA, अकाउंटेंट, इनसे ज़रूर राय लें कि आपकी जो कंडीशन है फॉर्म फिल करते समय, उस समय आपके लिए कौन सा फॉर्म भरना बेटर होगा। तो आप CA और अकाउंटेंट से ज़रूर सलाह लें जिससे कि आप सही ITR फॉर्म फिल कर सकें। जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताई। अब बात आती है किसको टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स क्या करता है, हर साल एक टैक्स स्लैब जारी करता है। उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको क्या टैक्स पे करना पड़ता है। तो देखिए, टैक्स की अगर हम बात करें तो देखिए, ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि जो हमारे रिसेंट में टैक्स स्लैब आए थे तो उसमें 2.5 लाख तक की जो इनकम थी वो टैक्स फ्री थी, मतलब उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और जो 2.5 लाख से ऊपर की इनकम थी उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर आपकी 2.5 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, और अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स स्लैब में जो आपका रेट दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पे करने के लिए आप क्या करेंगे, रेट चेक करेंगे टैक्स स्लैब में कि आप किस रेट के अंदर आते हैं। तो टैक्स स्लैब आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, और जिस टैक्स स्लैब के अंडर आप आते हैं तो उसमें आप देखिए आप पे कितना टैक्स लगेगा उस रेट के अकॉर्डिंग आपको फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर 2.5 लाख है तो उसके लिए आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद और चीज़ें। अब देखिए, बात सबसे बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये बताइए कि ITR भरने का कोई बेनिफिट है या ऐसे ही भर दिया जा रहा है। तो देखिए, ITR भरने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पहली चीज़ तो आपकी ये है कि आपकी यहाँ पर क्या इनकम शो हो जाती है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि कोचिंग एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आप अपनी इनकम कैसे किसी के सामने शो करोगे। तो पहली चीज़ तो ये कि आपकी इनकम शो हो जाती है, और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको लोन क्या है आसानी से मिल जाएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन के लिए एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका जो सिविल स्कोर है उसको आपको अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। सिविल स्कोर का मतलब क्या होता है ये आप सोच रहे होंगे। सिविल स्कोर का मतलब है कि जब आप पैसा अपना अकाउंट में जमा करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा हो जाता है। तो अगर आप केवल अकाउंट में पैसा जमा नहीं करेंगे तो आपका सिविल स्कोर क्या ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने गवर्नमेंट को बता दिया कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं बट आपके अकाउंट में कभी भी कोई भी अमाउंट का क्रेडिट वगैरह नहीं हो रहा है। तो और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं हुआ, तो क्रेडिट स्कोर अच्छा अगर नहीं हुआ तो बैंक आपको क्या है लोन देने से डिनाई कर देगा और आपको लोन क्या है नहीं मिल पाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेने के लिए अपना जो सिविल स्कोर है उसको आपको इम्प्रूव करना है। इसके लिए आप केवल अकाउंट में अपने पैसे वगैरह को क्या है जमा करते रहें तो आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको कोई प्रश्न है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हम आपको बहुत जल्द रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए आपके पास सब्सक्राइब का बटन, आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन बेल आपके सामने आएगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।